हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग हिंदी विद अभिनव देशमुख। तो आज हम पढ़ने वाले हिंदी सुलभ भारतीय आठवीं कक्षा का पाठ नंबर 5 मॉड्यूल 1। तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरुआत करते हैं। तो हमने पाठ नंबर 5 मॉड्यूल 1 खोल दिया। इस पाठ के लेखक है अनुराग वर्मा। चलिए हम पाठ पढ़ना शुरुआत करेंगे। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चल रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। देखिए, सुबह का समय है और जो डॉक्टर मतलब डॉक्टर कौन, तो राजकुमार वर्मा जी, उनका प्रयाग स्टेशन के जो प्रयाग स्टेशन है उसके बाजू में जो स्थित में उनका निवास था, क्या तो मधुबन नाम का निवास था उस वहाँ पे लेखक जी के क्या हुआ था, तो फिर मिलने का समय तय हुआ था 10 बजे, इसलिए वो रफ्तार से वहाँ जा रहे थे। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। तो देखिए, लेखक जी बोलते, वैसे तो मैंने डॉक्टर को बहुत सारे सम्मेलनों या फिर उत्सवों में देखा था, पर निकट से मतलब मुलाकात मतलब आमने सामने से नज़दीक से मुलाकात उनकी पहली बार थी और उनको वो पहला ही अवसर मिला था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था, कैसे होंगे डॉक्टर साहब। देखिए, जो लेखक जी उनके दिमाग में ऐसा विभिन्न मतलब अलग अलग विचार उठ रहे थे, जैसे कि डॉक्टर साहब कैसे होंगे, कैसा होगा और उनका व्यवहार उस साहित्य मनीषी का, मतलब उनका व्यवहार कैसा होगा उस साहित्य मनीषी के साथ। तो फिर इन तमाम उठते और बैठते विचारों को इन तमाम उठते और विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। तो ये सारे विचार करते करते लेखक जी ने मधुबन निवास में प्रवेश कर लिया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ, बेटा क्या आप अनुराग जी हैं? तो देखिए, उन्होंने बहुत सारा साहस इकट्ठा किया और उन्होंने उनके घर की जो घंटी बजाई। बाद में उनका जब नौकर आता है और फिर उनका नौकर बोलता है, क्या आपका नाम अनुराग जी है? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो फिर देखिए, जब नौकर ऐसा सवाल पूछता है तो तभी जो अनुराग जी वो सिर्फ हाँ बोलते हैं। बाद में नौकर उसे ड्राइंग रूम में लेके जाता है और उसे बैठाता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो फिर इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। तो फिर देखिए, डॉक्टर साहब आते हैं और डॉक्टर साहब अनुराग जी को पूछते हैं, अनुराग जी आपका कैसे आना हुआ, ऐसे पूछते हैं। बाद में मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन में संबंधित है और उससे उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली है उन्हीं का जानकारी हेतु आया था। तो फिर जो लेखक थे मतलब वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जो कुछ प्रसंग आपके जीवन में संबंधित है उसके महत्वपूर्ण प्रेरणाओं के लिए मैं उनकी जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। तो फिर देखिए, ऐसा सवाल पूछने ऐसा उत्तर आने के बाद डॉक्टर साहब बोलते कि अच्छा फिर पूछिए सर, वैसा बोलते हैं प्रश्न। तो फिर अनुराग जो प्रश्न पूछते हैं, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का स्पष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलियों को महत्वपूर्ण मोड़ दिया। तो फिर देखिए, अनुराग जी वो क्या करते हैं, डॉक्टर साहब से प्रश्न पूछते, वो बोलते हैं, डॉक्टर साहब काव्य रचना की जो प्रेरणा है आपको किससे और कहाँ से मिली? अरे इस संदर्भ में आपका कोई प्रसंग बताने का कष्ट करें जिन्होंने आपके अंतरंग पहलियों को महत्वपूर्ण मोड़ दिया है। तो फिर इस पर उत्तर देखते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों में संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया था। तो फिर देखिए, वो बोलते कि पहले तो मेरे जीवन में जो अंध समाज है, अंध व्यवस्था है, उनके खिलाफ उनके प्रति मेरा क्या था, तो विद्रोह था। और फिर 1921 में जब वो केवल 15.5 साल के थे,
तभी महात्मा गांधी जी का जो आंदोलन था उसमें उन्होंने पारिवारिक व सामाजिक व्यवधनों में क्या हुआ था तो उन्होंने सहभाग दिया था। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी का तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तो फिर देखे उन्होंने यह सोचा भी नहीं था और सोच भी नहीं सकते थे कि उस समय स्कूल छोड़ने का, पर बाद में जो मध्य प्रदेश में अंतर्गत नरसिंहपुर में एक मौलाना थे जिनका नाम था शौकत अली साहब, और वो आए और वो लेखक जी को बोले कि गांधी जी ने क्या कहा है, तो अंग्रेजी के तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा हमें बताया। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, हे कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। तो फिर देखिए फिर वो बोलते कि कौन है ऐसा माइका लाल कि जो बोल रहा है कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। तो फिर देखिए जो लेखक जी है, मैंने अपनी माँ के आगे बड़े ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा की। तो फिर लेखक जी ने अपने माँ के सामने क्या किया, तो श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा की। सभी लोग सकते सकते में आ गए। बात भी अजीब थी, उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए लोगों ने बहुत समझाया। तो फिर देखिए वो क्या होता है, तो सभी लोग क्या होते हैं तो सके सकते हो जाते हैं। और फिर बाद में बात भी बहुत सारी अजीब थी क्योंकि एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का था वो विद्रोह कर जाए लोगों ने बहुत समझाया पिताजी की। तो ये था हमारा पार्ट नंबर वन, अगले वीडियो में हम पार्ट नंबर टू देखेंगे। तो चले, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।